नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। नगर निगम क्षेत्र के सभी छात्र विहीन बीपीएल परिवारों को मिलेगा पक्का आवास, बोली गरिमा देवी सिकारिया। पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत नगर निगम के एमआईएस संभाग को योजना का प्रचार प्रसार तेज करने का दिया आदेश। प्रधान सहायक व आवास योजना प्रभारी के साथ बैठक में महापौर ने की योजना में अब तक की उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा। वित्तीय से मोहन सिंह की रिपोर्ट। नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रधान सहायक रमन कुमार और सबके लिए आवास योजना के संभाग प्रभारी मोहम्मद सज्जाद के साथ बैठक करके योजना में अब तक के उपलब्धियों की विस्तार से समीक्षा की। महापौर श्रीमती सिकारिया ने पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर पूरे नगर निगम क्षेत्र के छतविहीन बीपीएल परिवारों को पक्का छतदार मकान मुहैया कराने के लिए नगर निगम के सभी 46 वार्डों में अभियान चलाने का निर्देश दिया। नगर निगम के एमआईएस संभाग के प्रभारी से उन्होंने योजना का प्रचार प्रसार तेज करने का भी आदेश दिया। बैठक के बाद महापौर श्रीमती सिकारिया ने कही कि नगर निगम क्षेत्र के एक एक छत विहीन बीपीएल परिवारों को सबके लिए पक्का छतदार मकान मुहैया कराना उनकी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर है। उन्होंने बताया कि उनके पहले कार्यकाल में ही 1000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मुहैया कराने की स्वीकृति विभाग से प्राप्त करके सूची भेज दी गई थी। उक्त स्वीकृत यूनिट में से ही 515 परिवारों के लिए पक्का आवास मुहैया कराना अब भी बाकी है। नगर निगम के एमआईएस संभाग के माध्यम से अपनी वासभूमि पर मालिकाना हक अर्थात एलपीसी प्राप्त करके अर्थधारी कोई भी बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ पाने के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही श्रीमती सिकारिया ने कही कि अब तक लाभ पा चुके करीब 500 परिवारों में से मात्र 6 परिवारों का ही घर बनना पूरा हो गया है। बाकी परिवारों को पहली के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और फिर चौथी और अंतिम किस्त पाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़, बेतिया।